इंदौर में एक ज्वेलर्स के पोते के गले से लॉकेट छीन ले जाने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एरोड्रम इलाके की यह घटना है जहां बदमाश खरीदार बनकर पहुंचे थे और दुकान के बाहर खेल रहे बच्चे को दुलारने के बाद उसके गले से सोने का लॉकेट निकालकर चले गए। बदमाशों की यह हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों बदमाशों को हिरासत में ले लिया। एरोड्रम थाने में एक सुनार की दुकान है जिसमें दो बच्चों को छोड़कर वो अपने घर पर खाना खाने चले गए थे। दोपहर में बाइक सवार दो आए, उनने बच्चे को बाहर दिलाया। उस बच्चे के गले में सोने का पेंडेंट था, वो पेंडेंट ले लिया और चले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। सीसीटीवी में आए हुए के आधार से पुलिस जांच कर रही है और शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार।